As per the voting, ayes 125, noes 105. The motion is carried. I therefore declare that Sri Harivamsh has been chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू के इसी ऐलान के साथ उच्च सदन के उप सभापति का चुनाव भी संपन्न हो गया, जिसमें एनडीए की तरफ से सांसद हरिवंश को जहां जीत हासिल हुई, तो वहीं उनके खिलाफ मैदान में उतरे विपक्ष के प्रत्याशी बीके हरिप्रसाद को हार नसीब हुई। वैसे देखा जाए तो राज्य सभा के उप सभापति के चयन के साथ ही यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई, लेकिन असल कयासों का सिलसिला तो राज्यसभा की जंग में सत्तारूढ़ एनडीए की जीत के साथ शुरू हुआ, जहां अब तक हमेशा दमदार स्थिति में रहने वाली कांग्रेस पर वो पहली दफा 21 साबित हुई। और कुछ एक रोज पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपनी ताकत दिखाने के साथ राज्यसभा में भी खुद को मजबूत साबित करके दिखा दिया, और इन नतीजों ने जहां बिखरते एनडीए की एकजुट तस्वीर पेश की, तो वहीं विपक्षी खेमे के संभावित महागठबंधन को आईना भी दिखा दिया। क्या कुछ रहा राज्यसभा में संपन्न हुए आज के चुनाव का गुड़ा गणित, आइए आपको बताते हैं। राज्यसभा उपसभापति के इस चुनाव में एनडीए खेमे में एकजुटता नजर आई। कयासों के उलट एनडीए के सभी घटक दलों ने उसके प्रत्याशी का समर्थन किया। जेडीयू सांसदों को आगे करके एनडीए सहयोगी दलों का विश्वास जीतने में सफल रही। नाराज अकाली दल और शिवसेना का भी समर्थन मिला। क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा हुई। किंग मेकर की भूमिका निभा रही बीजेडी ने एनडीए का ही समर्थन किया। कांग्रेस का अपने ही नेता को विपक्षी प्रत्याशी बनाने का फॉर्मूला फेल साबित हुआ। अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस चुनाव में फिर से संभावित गठबंधन की जड़ों को हिलाया। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव कांग्रेस के लिए भले ही साख का सवाल हो, लेकिन एनडीए इसे अपनी ताकत का आकलन करने के तौर पर लेकर चल रही थी, और इसमें वो काफी हद तक सफल भी साबित हुई। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उसके द्वारा गठबंधन की अगुवाई की कोशिश को भी करारा झटका लगा है। ऐसे में अब देखना यह होगा राज्यसभा में चली गई आज की चाल कल के रोज देश की सियासी बिसात पर कितना असर डालती है। न्यूज वर्ल्ड डैश। गठबंधन की गांठ। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। राज्यसभा में उप सभापति के चुनाव पर वोटिंग और बीजेपी को घटक दलों का साथ मिला और विपक्ष के उम्मीदवार को 111 की अपेक्षा 105 वोट यानी 6 वोट कम मिलना, ये वैसा ही है जैसे मोदी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी को आशा से अधिक और विपक्षी गठबंधन को एक बार फिर झटका। वैसे तो उपसभापति का चुनाव चर्चा में कम रहता है, लेकिन बात जब मोदी के खिलाफ एकजुट दिख रहे विपक्ष की हो तो वोटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी ने नाराज घटक दलों को वापस भरोसे में लेने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी होती दिख रही है, लेकिन महागठबंधन एकता को एक बार फिर झटका लगा है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष गठबंधन की गांठ। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने उन मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, आपका परिचय करा दें जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा उनके साथ हम शुरू करेंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन साहब। सनत जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी साहब। विनय जी, बहुत स्वागत आपका। शैलेंद्र प्रधान साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, शैलेंद्र जी बहुत स्वागत। और सैयद जाफरी, कांग्रेस नेता, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैयद जी आपके पास ही आते हैं। जिस तरह से उप
सभापति को लेकर चुनाव। हालांकि जो हम बात कर रहे थे कि उपसभापति का जो चुनाव होता है उसकी इतनी चर्चा नहीं होती, लंबे समय से कांग्रेस के उपसभापति रहे हैं, लेकिन जिस तरह की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति चल रही है, महागठबंधन की चर्चा है, मोदी के खिलाफ एकजुटता की जो विपक्ष की मुहिम है, आपको लगता है कहीं ना कहीं फार्मूला जो है वो फेल हो गया आज? नहीं, देखिए दो, इसमें दो महत्वपूर्ण बात है जी। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग हैं उनसे हम तो उम्मीद ना हमने इसके पहले कभी पाली है, ना अभी पाली थी, ना इसके कभी पहले आगे पालेंगे। हम अकाली दल से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो हमारा समर्थन करेंगे जी, है ना। तो संभवतः ये जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन है वो आपस में भले एक दूसरे से नाराज चल रहा है, लेकिन हम उनसे कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हैं कि वो हमारे यूपीए के गठबंधन में आएंगे जी। दूसरी चीज ये कि जो हमारा महत्वपूर्ण महागठबंधन जो यूपीए का बन रहा है वो हमारे लिए एक संतुष्टि का विषय है कि इसमें कोई बिखराव नहीं आया। हमारे साथ समाजवादी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। हम बहुजन समाज पार्टी के साथ अपना गठबंधन रख रहे हैं, हम टीएमसी के साथ अपना गठबंधन रख रहे हैं। तो कुल मिला के जो हमारा मूल गठबंधन महागठबंधन बन रहा है उसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई फिलहाल कोई ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या जाफरी साहब, जिस तरह से कुछ क्रॉस वोटिंग को लेकर भी चर्चा है सामने, आपको लगता है कि, और दूसरी तरफ एक बीजेपी के लिए, बीजेपी खेमे के लिए एक खुशी की बात होगी कि जो उनसे लगभग लग रहा था नाराज चल रहे हैं वो आज साथ तक है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा है? मुझे अभी फिलहाल क्रॉस वोटिंग की पूरी मुझे जानकारी नहीं है तो मैं जल्दबाजी होगी कुछ कहना जी। लेकिन एक मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें ये कह दूं कि जो आज जो वोटिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। जिस प्रकार से जेडीयू का प्रत्याशी उतारा और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने शिवसेना को फोन किया या अन्य दलों को फोन किया तो कुछ वोट उन्हें जेडीयू के प्रत्याशी होने के कारण भी मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का प्रत्याशी होता तो शायद आज कुछ नजारा अलग नजर आता। जाफरी साहब, जिस तरह से आप महागठबंधन की अगुवाई की बात कांग्रेस कर रही है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का उम्मीदवार ना उतारते हुए आप महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, एक वहां भी मैसेज कन्वे करते कि नहीं हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं? शायद जहां तक मेरी जानकारी में अभी ऐसा है कि कांग्रेस ने सभी अपने गठबंधन के लोगों से राय मांगी थी और प्रत्याशी के चयन की बात कही थी, लेकिन किसी भी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहा। तो वो ऐसा नहीं है कि गठबंधन से बिना चर्चा किए प्रत्याशी उतारा गया है, ये गठबंधन से चर्चा करने के बाद ही प्रत्याशी उतारा गया। शैलन जी क्या कहेंगे, बीजेपी खुश, जो नाराज थे रूठे थे मना लिया आज? देखिए, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अब ये राहुल गांधी जी को अपना नेता मान के चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अब इनके घर में ही वोट नहीं गिरे, दो वोट इनके नहीं मिले, समाजवादी के दो वोट नहीं मिले, डीएमके के दो वोट नहीं मिले, और इनकी 111 की जगह खुद संख्या 105 पे आ गई। और भारतीय जनता पार्टी के घटक दल नाराज है इसकी, अगर ये कल्पना कर रहे थे या एनडीए के घटक दल नाराज हैं और इसलिए वो ये सोच रहे थे कि जीत जाएंगे तो मुंगेरी लाल के सपने देखने में तो बुराई होती नहीं है, तो इन्होंने खूब देखा, अविश्वास प्रस्ताव में भी देखा, अब इसमें भी देख लिया। एक बार महागठबंधन की योजना और बनाए और पुख्ता करे, हो सकता है सत्तू की हंडी चले फूटे नहीं। चलिए सनत जैन साहब क्या कहेंगे, आज जिस तरह से उपसभापति का चुनाव हुआ, कई तरह के टेस्ट, कई तरह की फार्मूले की चर्चा थी, लेकिन जिस तरह के नतीजे हैं, एक उत्साहित हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गठबंधन में गांठ नहीं है। देखिए राजेश जी, बहुत स्पष्ट बात है कि पहले कुछ खबरें आई थी कि शायद उपसभापति का चुनाव टाल दिया जाएगा और फिर एकाएक घोषित कर दिया गया, और कांग्रेस भी संख्या बल के हिसाब से ये मान के चल रही थी कि हम इसमें कितनी भी प्रयास कर लें और शायद हम अपना उपसभापति नहीं बना पाएंगे जी। तो इस बार उपसभापति के चुनाव में कोई राजनीतिक तोड़फोड़ करने की स्थिति देखने में नहीं आई। कांग्रेस ने अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया
और दूसरा बात, जो कैंडिडेट आया था वो कैंडिडेट भी अपने आप में महत्वपूर्ण था जी। प्रभात खबर के एडिटर, काफी उनके राजनीतिक हलकों पे भी जान पहचान, काफी ज्ञानी पुरुष, और उनके व्यक्तित्व के कारण भी कांग्रेस ने या और भी जो गठबंधन के दल होंगे, जदयू गठबंधन और वो जदयू के खुद भी हैं, तो उस लिहाज से वो कोई लड़ाई लड़ी नहीं गई, लड़ाई लड़ी नहीं गई, और एक आम चुनाव की तरह ये हो गया, राज्यसभा के अंदर का चुनाव था, और यदि लड़ाई होने की स्थिति होती तो शायद सारी उपस्थिति होती और लोग उस तरीके से अपने कैंडिडेट को बाहर उतारते हैं। ये जरूर है कि इस सभापति के चुनाव में भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे घटक दलों को मनाने का प्रयास किया, उनकी वोटिंग अपने पक्ष में सुनिश्चित कराई, और ये उन्हें कराना चाहिए था। उप सभापति के चुनाव को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि ये चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, और जिसके पास संख्या होगी उसी का चुना जाएगा। आमतौर पर अभी तक ये रहता था कि उप सभापति का पद जो है विपक्ष को देने की एक परंपरा रही है, वो परंपरा कुछ वर्षों में ऊपर नीचे हो रही, टूट रही है। वो भारतीय लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ कि एक जो सौहार्द बनाता था राजनीति में, उसमें कमी आई है। लेकिन यहाँ भाजपा ने अच्छा किया कि जदयू के प्रत्याशी को उतारा, तो वो आज भी जब लोकसभा में उपसभापति के निर्वाचन के बाद जो वक्ताओं की राय थी सभी राजनीतिक दलों के, वो उनके पक्ष में थी, और सबने उनके चयन को लेकर संतोष व्यक्त किया है, कहीं तलखी देखने को नहीं आई, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, विनय जी हमारे साथ में हैं, विनय द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी क्या कहेंगे, जिस तरह से सनत जैन साहब कह रहे कि पहले से ही ये मालूम था कि संख्या बल भी नहीं है, जिस तरह से हमने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देखा उस समय भी ये कांग्रेस को मालूम था, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर जिस तरह से आज स्थिति बनी, तो इस तरह का जो कांग्रेस का रवैया है आप किस रूप में देखते हैं? क्या एक इस तरह की स्थिति स्ट्रेटजी से कोई उन्हें बेनिफिट्स या क्या दिखाने की कोशिश कांग्रेस की? सनत जैन साहब ने बहुत सही बातें कही हैं जी। मैं उसी में कुछ जोड़ रहा हूँ कि ये चुनाव, चूँकि हमारे यहाँ चुनावी राजनीति एक अलग तरह से अब हो गई है, उसका रूप स्वरूप बदल गया है पिछले 4 सालों में जी। और बीजेपी हर चुनाव को, चाहे वो सरपंच का हो चाहे वो ऊपर कोई चुनाव हो जी, उसको बहुत ही गंभीरता से लेती है, हम देखते रहे। ये चुनाव भी जिसका जनता से सीधा कोई ताल्लुक नहीं था, लोगों को मालूम भी बहुत, जिनकी रुचि नहीं है उनके लिए कोई ये चुनाव मतलब का नहीं है, ये सब बातें होते हुए भी बीजेपी अपने जो जीत का जो फ्लो है उनका, अमित शाह जी और मोदी जी का, उस फ्लो को वो किसी भी स्तर पर टूटने नहीं देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो 3 लोकसभा चुनाव वो हारे हैं और कुछ उपचुनाव में जो उनकी हार हुई है, तो मुझे लगता है शायद बीजेपी को ये समझ में आ रही है कि उनका जो पॉलिटिकल ट्रेंड था वो डिस्टर्ब हो रहा है, शायद इसीलिए बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य को उसके लिए चुनाव मैदान में उतारा, क्योंकि यूपीए के गठबंधन को लेके तरह तरह के बहुत सारे कयासबाजियां जो चल रही थी उसमें स्वाभाविक है कि एक राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए असुविधा पैदा हो रही थी, तो वो चीजें मेंटेन करने के लिए, और बीजेपी को ये लग रहा है कि उन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता के लिए, और उन वादों पे बहुत से ऐसे वादे हैं जिन पे अब सवाल विपक्ष उठा रहा है, मीडिया उठा रहा है, तो उनको जमीनी हकीकत शायद समझ में आ रही, इसीलिए उन्होंने अपने जीत के फ्लो को डिस्टर्ब ना हो इसलिए राज्यसभा में इतना गंभीरता से पेश आई। लेकिन राजेश, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस हर वक्त आप चुनाव देखिए वो बहुत बेहतरीन जो है कोशिश करती है, और लास्ट में जाके उनका सारा फ्लोर मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, वो आपको धराशायी होता दिखता है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अभी भी
शायद विपक्ष की पार्टी है, ये उनकी लीडरशिप की को मनोगत रूप से समझना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से समझना पड़ेगा, उनकी चेतना में विपक्ष की भूमिका लानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार ये मध्य प्रदेश में भी हम और आप सब लोग देखते हैं कांग्रेस के नेताओं को, तो वही स्थिति अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस, बिल्कुल जिस हिसाब से फ्लोर मैनेजमेंट की बात की है, बीजेपी शायद आगे निकल गई कांग्रेस से, क्या कहेंगे सही जाफरी साहब जिस तरह से विनय जी कह रहे हैं कि जो फ्लोर मैनेजमेंट है, या फिर जिस तरह से देखा जाए कि स्ट्रेटजी होना चाहिए, आप आखिरी वक्त पर बिखर जाते हैं, पहले लगता है कि नहीं कांग्रेस बहुत कुछ अच्छा करने जा रही है, क्या कारण है, कहाँ चूक रह जाती है? यही बात मैंने शुरू में भी कही थी आपसे कि इसमें कहाँ पे ऐसा लगा कि जो कांग्रेस का या यूपीए का जो मूल गठबंधन है वो टूटा, वो तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो टूटा। और मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि जेडीयू के कैंडिडेट होने की वजह से बहुत सारी स्थितियों में मैं बदलाव भी आया है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये कि ये जो चुनाव था, इस चुनाव में बहुत ज्यादा इतना कोई इश्यूज नहीं था कि बहुत कांटे की टक्कर है, या कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट जो बहुमत है वो चला गया, या कांग्रेस के जो बड़े महागठबंधन के लोग हैं वो दूर चले गए, कहीं ऐसा नहीं हुआ। चाहे लेकिन दो चीजों पर एक देखा जाए, एक आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, उस समय आपने मुंह की खाई, अब जिस तरह से उपसभापति का चुनाव कैसे मुंह की खाई, आप मुझे आपके पास जब संख्या बल नहीं है, आपको दिख रहा है, तो क्यों जल्दबाजी थी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर ही आ जाए? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने का सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता कि सरकार गिर जाए या सरकार बन जाए। अविश्वास का मतलब अविश्वास कई बिंदुओं में आता है, और जो इस बार यूपीए के या कांग्रेस के लोगों साथियों ने जो अविश्वास दिया था वो बिंदु आधारित था, और उस बिंदु से हमारा आज भी हमारा सरकार पे उन बिंदुओं पर अविश्वास है, तो उस पर चर्चा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता के बीच में, सदन में जनता की जो बातें रखी गई है वो महत्वपूर्ण थी। अब सरकार, ये तो बहुत सिंपल सा गणित है कि कहीं प्रकार से भी मैथमेटिक्स ये नहीं बोलता कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार बहुमत से बहुत दूर है। सरकार तो बहुमत से बहुत ज्यादा है, और विपक्ष जो है बहुमत से बहुत पीछे, इसलिए सरकार रहना या सरकार गिरने का कहीं सवाल ही नहीं आता। ये तो सिर्फ जो जनता की का अविश्वास रहा है वो वहां पे लाया गया। लेकिन जिस तरह सैलन जी कह रहे थे, कई ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और महागठबंधन की एक तरफ बात हो रही है, कर्नाटक में सारे एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे, लेकिन अभी भी जो कौन सा हाथ उनसे उसमें जिसमें कर्नाटक में जो हाथ थामे हुए थे उसमें कौन सा हाथ बाहर गया, जरा बताइए मुझे, आप बताइए कौन सा हाथ बाहर गया? कोई हाथ बाहर नहीं गया। जो हमारे साथ थे वो आज हैं, और जो हमारे साथ नहीं थे वो नहीं है। कांग्रेस ही अगुवाई करेगी गठबंधन की, ऐसा देखिए बिल्कुल आज की स्थिति में कांग्रेस पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस का नेटवर्क है। जितनी जो पार्टियां आज भारतीय जनता पार्टी भी भले ही 14 राज्यों में उन्हें सरकार बना ली हो, लेकिन आज भी कांग्रेस के संगठन के सामने वो बोनी है, और पूरे राष्ट्र में कहीं ना चलिए है। सैलन जी, कोई भी बाहर नहीं गया जिस तरह से सैयद जाफरी साहब कह रहे थे, सारा एक है, जो गांठ बंधी थी कर्नाटक में वो वैसे ही बंधी हुई है। नहीं नहीं, निश्चित ही एक है, क्योंकि पीडीपी इनके साथ नहीं आया, आप इनके साथ नहीं आया, वाईएसआर कांग्रेस इनके साथ नहीं आई, और फिर बेसिक प्रॉब्लम देखिए कि कप्तान कितना अच्छा मॉनिटर कर रहा है, जो मैंने बात पहले अपने डायलॉग में की पूत का पांव जो मैंने बतलाया था, वही है कि कप्तान जिसको ये मान रहे हैं उसको सब मान नहीं रहे। चलिए सनत जी से पूछ लेते हैं कप्तान के बारे में, कि कांग्रेस का जो कप्तान है ये कह रहे हैं सैलन जी कि उसको कोई मान नहीं रहे हैं, कप्तान पे क्या अभी सनत जी कह सकते हैं कि कोई कप्तान डिसाइड नहीं है, यही कारण है, चाहे ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, इस पर पैच? राजेश, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव को ये क्यों माना गया कि विपक्ष जीतेगा और सरकार गिरेगी। अविश्वास प्रस्ताव सैकड़ों पेश हुए हैं, केंद्र में भी पेश हुए हैं और राज्यों में भी पेश हुए हैं, और विपक्ष अपनी बात कहने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेता है, वो उस पर चर्चा कराता है, और अमूमन अविश्वास प्रस्ताव गिर जाते हैं सरकार। इसमें बहुत कम मामले ऐसे आते हैं जिनमें हारती है, एक बात। दूसरी बात, हमारे देश में 89 से कई गठबंधन बने और बिगड़े,
और इसमें कभी भी कोई नेता सामने रख के चुनाव नहीं हुआ। ये तो जब चुनाव मैदान से जो परिणाम लेके लोग आते हैं और उसके बाद फिर वो राजनीतिक समीकरणों से नेता डिसाइड होते हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि भाई आज जो गठबंधन जितने दलों ने किया था राज्यसभा के चुनाव में, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। उन्हें भी मालूम था कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीतेगा जी। और तोड़फोड़ करने की स्थिति में कहीं थे नहीं, तो उन्होंने कोई तोड़फोड़ की नहीं। राज्यसभा के चुनाव जैसे इंटरनल चुनाव है, वो सदस्यों के द्वारा होते हैं, सदस्यों ने अपना चुनाव कर लिया। मैंने एक बात महत्वपूर्ण कही थी कि उपसभापति के रूप में सत्तारूढ़ दल ने जिन हरवंश जी को उतारा था, वो एक देश के वेल नोन व्यक्ति हैं, उनकी अपनी एक छवि है और उनके सभी दलों के साथ अपने एक रिश्ते हैं। तो प्रतीकात्मक ये विरोध था, ये कोई जीत हार का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। जीत हार का कारण नहीं था। और जैसे विनय जी ने कहा कि ये भाजपा ने जीत का एक मुद्दा बनाती, जहाँ कोई मौका होता है वो संदेश देने से पीछे नहीं हटते हैं कि देखो हम जीते हम जीते हम जीते, तो वो उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन विपक्ष अभी नेता घोषित करे या राहुल गांधी को घोषित करे, ये भाजपा की एक रणनीति है कि हम गठबंधन के दलों को एकजुट ना होने दें और राहुल का नाम और भय दिखा के हम विपक्ष को जितना बिखरा सकते हैं वो बिखराने की कोशिश करें। और ये भाजपा का काम भी सही है, उनकी रणनीति। और इसी फ्लोर मैनेजमेंट की बात शायद विनय जी कहते। विनय जी एक सवाल है, जिस तरह से हमने कहा सैयद जाफरी जो कह रहे थे कि नहीं हम जिस तरह से गठबंधन तक कोई बाहर नहीं गया, जो गठबंधन की गांठ है वो वैसे ही बंधी हुई है, कर्नाटक में जिस तरह से दिखा था, लेकिन अगर हम बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या बीजेपी को ये बेनिफिट जरूर मिला है कि लंबे समय से जो चल रहा था, अकाली दल नाराज है, शिवसेना नाराज है, अन्य घटक नाराज है, इस बहाने कहीं ना कहीं थोड़ी सी ही दिखी हो लेकिन एकजुटता जो नाराज चल रहे थे उनमें एक बेनिफिट बीजेपी को इसको लेकर। हाँ बिल्कुल, बल्कि उन्होंने तो और इससे आगे जाके बोली कि उन्होंने बीजू जनता दल को जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, बीजू जनता दल को भी अपने साथ ले लिया। राजनीति में स्ट्रेटेजी ही तो बहुत महत्व रखती है ना भाई। कांग्रेस अपने जो घटक हैं उनको सबको समेटती रही, घटक दलों के एमपी जो है गैर हाजिर हो गए। इसका मतलब ये है कि जो यूपीए का कुनवा है वो इस चुनाव को हारने के बाद भी, आज हम ये सवाल उठा रहे हैं ना कि भी समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के ये दो दो एमपी ये जो गायब रहे वोटिंग से, ये गंभीरता इससे क्या प्रदर्शित होती है, जबकि बीजेपी ने बीजू जनता दल को अपने साथ जोड़ लिया, शिवसेना उनके साथ थी भले उनका विरोध कर रही थी। तो मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी कोई भी ऐसा संदेश नहीं जाने देना चाह रही है देश में किसी भी स्तर पर कि वो कहीं पर भी चुनावी राजनीति में या जनता के बीच कहीं पर भी हल्के पड़ रहे हैं। और इसीलिए राजेश, इसीलिए मैंने जो पहले कहा था मैं उसको और फिर से दोहरा रहा हूं कि बीजेपी को जमीनी हकीकत मालूम है कि मोदी जी ने जो आशाएं और लोगों में जगाई थी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से लोगों में नाराजगी है और उस वो नाराजगी कहीं संगठित नहीं हो जाए और कहीं एंटी इनकमबेंसी में कन्वर्ट नहीं हो जाए, इसीलिए बीजेपी कोई भी चुनाव किसी भी स्तर पर और कैसे भी जीतना चाहती है, कैसे भी जीतना चाहती है। तो जिस तरह से आज राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव, लेकिन अलग अलग एंगल अलग अलग मायने, कांग्रेस या विपक्ष अपने नजरिए से और बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है वो इस नजरिए से, लेकिन जब लगातार सियासत गरमाई हुई है ऐसे में एक एक भी चुनाव काफी महत्वपूर्ण दोनों के लिए। और जिस तरह से हमने आज देखा इस चुनाव के बाद जिस तरह से अलग अलग मायने तलाशे जा रहे हैं और तलाशे जाते रहेंगे, आज की चर्चा बस इतना ही। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन साहब जुड़े। सनत जी बहुत शुक्रिया आपका। विनय द्विवेदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र जाफरी सैयद जाफरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और शैलेंद्र प्रधान साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव है वो पूरा हो चुका है, लेकिन जो लंबे समय से एक तरफ महागठबंधन की चर्चा थी, दूसरी तरफ बीजेपी या कहा जाए एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी जो नाराजगी सामने आ रही थी, दोनों अपने मिशन में कहीं जाए या कहा जाए बीजेपी काफ़ी कुछ
इस चुनाव के जरिए कामयाब रही अपने कुनवे को संभालने में और दूसरी तरफ विपक्ष को कड़ा मैसेज देने का। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।